तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना जो कि मैसेज खोलेंगे, मैसेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मैसेज आया है, इसके ऊपर जो कि मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है कि एक फाइल खुलेगा यानी एक फार्म खुलेगा। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम मांग रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर अनिश डीसी आईडी नंबर है जो कि ऑप्शनल है। मैंने जो कोई नंबर मिला था मैंने उस पर फ़ोन किया तो वो लोग बोले कि उनको भी मतलब उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चला कि उनको भी कंफर्म नहीं कि क्या डालना है, ये एनएसडीसी आईडी उन वो लोग भी नहीं बता रहे हैं कि क्या है आपका। दूसरी चीज़ ये वो लोग भी किसी का सुन कर ही ऐसा बता रहे हैं कि बैंड जो हाथ में बांधने के लिए मिला था वो नंबर डाल दीजिए। तो फिर मैंने पूछा ये यहाँ पर जो कि स्टार नहीं है कंपलसरी नहीं है, तो फिर वो बोल रहा कि तब छोड़ दीजिए कंपलसरी नहीं है, तो यानी वो लोग को भी कंफर्म नहीं है। तो एनएचडीसी आईडी दोस्त मैं आपको बता दूँ कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर आप हम सभी लोग जब इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर गए थे तो एक फार्म मिला था, तो फार्म पर जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये फार्म है, इस पर जो है कि यहाँ पर फोटो के नीचे यूनिक आईडी टू बी फिल्ड बाई NSDC NSDCIMH 88354, यही जो है कि मुझे लग रहा है यही NSDC आईडी है और इसी को डालना है। बाकी दोस्त ये जो है कि यदि आपके पास नहीं है नहीं फ़ोटो खींचे हैं तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी पहले तीनों का अलग अलग जो है कि मांग रहा था, पासपोर्ट का अलग PDF, PCC का अलग PDF और मेडिकल सर्टिफिकेट का अलग PDF, तो मैंने तीनों का रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये तीनों जो है कि मेरे पास अलग अलग है, अब तीनों को एक साथ में करना है। तो एक साथ में करने के लिए सबका फ़ोटो आप जो है कि खींच लीजिए, खींचने के बाद आप जो है कि अपना गैलरी में जाइए, जैसे भी आप जहाँ पर भी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहाँ पर जाइए। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले जो कि पासपोर्ट मांग रहा है तो हम जो कि पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर PCC मांग रहा है, PCC का मैं स्क्रीनशॉट करके ले लिया हूँ, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट का सबका फ़ोटो जो कि खींचा हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 ए यानी तीनों हो गया। पहले जो है कि पासपोर्ट को रखना है सीरियल में, फिर उसके बाद जो कि PCC रखना है, फिर उसके बाद मेडिकल रखना है, फिर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में आ रहा है जो कि मेडिकल, तो इसको हम पहले हटाएंगे, एडिट करेंगे, पहले इसको लेकर जाते हैं ऊपर, सबसे फर्स्ट में रहेगा जो कि पासपोर्ट। इस तरीके से आप एडिट कर लें अपना, या तो किसी से अगर बनाने खुद नहीं आता है तो किसी से आप PDF जो कि बनवा लें, एकदम अच्छे तरीके से PDF जो कि बनाइए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करिए और इसका नाम भी रखना है। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए नाम रखा है कि NSDC आईडी नंबर लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम रखना, वो नाम लिख के फिर उसके बाद PDF अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर जो कि NSDC ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट लिख कर अपना सेव करते हैं। तो अपना जो कि PDF बनाकर एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, पहला पासपोर्ट, फिर उसके बाद PCC, फिर मेडिकल का ऑटो पेज रहेगा और फिर उसके बाद ही आपको जो कि अपलोड करना है। तो आइए हम लोग अपलोड करते हैं, फिर से एक बार जो कि मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे। तो दोस्तों सब कुछ अच्छे से भरने के बाद फिर से आपको रीचेक कर लेना है दोबारा अपना नाम, एक एक स्पेलिंग वगैरह, फिर उसके बाद आईडी नंबर है तो अपलोड कीजिए, डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर भी अच्छे से डालिए जिस पर आपको मैसेज मिले, ठीक है, ये डालना है। फिर पासपोर्ट नंबर अच्छे से डाल देना है, ये डालने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर आइए आप ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पर देखिए ब्राउज लिख कर आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जो मीडिया पीकर है आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ये दिया है मीडिया पीकर, इसके ऊपर जो कि क्लिक करना है। यहाँ पर हम थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रिसेंट पर जाएंगे। तो रिसेंट पर जाने के बाद दोस्त यहाँ पर देख लीजिए ये जो कि मेरा PDF है, नाम लिखा हूँ अपना और आगे NSDC ID नंबर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये 7.3 MB का ये अपलोड हो रहा है। दोस्तों इस तरीके से आपके सामने आएगा आपका नाम और इस तरीके से PDF लिख कर आएगा। दोबारा से एक बार सब कुछ अच्छे तरीके से चेक करने के बाद और जो है कि आप यहां पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ये दोस्तों सिर्फ एक ही बार ऑप्शन आएगा, दोबारा आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा।
तो ये दोस्तों जो है कि सबमिट हो गया है। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके पूछें।